Welcome to Omnum class. Now today I'm talking about chapter 1, 3 questions. Yeah, in their answers to second question, some said that the people most necessary to the king. The word is a counselor. Others said that a priest. A few others choose the doctors. And yet others said that is a soldier were the most necessary. To the third question, some said a science, others choose a fighting, and yet others religious worship. Means किसी ने धार्मिक को अपनाने के लिए कहा, किसी ने युद्ध से अपनाने के लिए कहा. मतलब कैसे अपने आप को वहां पे एक तीन क्वेश्चन लेके घूम रहा है राजा, उसका कोई भी समाधान नहीं दे रहा है. नो वन कैन गिव एनी काइंड ऑफ आंसर फॉर दिस थ्री क्वेश्चन. सो ही वॉन्ट्स टू बी फाइंड आउट द क्वेश्चन. बट some people giving suggestion for you have to go for a religious of the worship. Okay, some say fighting, some say you have to miss soldiers. इनके बारे में सब ऐसे करने का कि आप युद्ध करो, वो करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो. बट राजा सफिशियंट नहीं हुआ और किसी को भी इनाम नहीं दिया. टू द थर्ड क्वेश्चन या टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइट, एंड एट अदर रिलीजन. यानी तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर था वो था कि आप साइंटिस्ट को फाइंड आउट कर लो, या फिर किसी साइंटिस्ट को, या फिर धार्मिक स्थान में ये कर लो. तो इससे राजा खुश नहीं था. एज अ आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, मीन्स सन्यासी, who was a widely known for his wisdom. means उसने सोचा एक सन्यासी मिलूं, सन्यासी से मिलके, मतलब एक जो सन्यासी होता है वो ज्ञानी होते हैं. सो राजा ने सोचा क्यों ना मैं उससे मिलूं और उससे पूछ लूं. सो या हर्मिट सब यू हैव टू कॉल सन्यासी. ओके, ये जो ज्ञानी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो किससे मिलते नहीं है ज्यादा. सो हर द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज अ बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. मीन्स उसने क्या किया, मतलब वो जो हमेशा जो सन्यासी था वो सिर्फ मामूली लोगों से मिलता था, मतलब जो साधारण व्यक्ति रहते थे उन्हीं से मिलता था, ऐसे जैसे राजा महाराजों से नहीं मिलता था वो. सो ही डोंट लाइक वांट टू मीट. तो राजा ने क्या किया, अपने बॉडीगार्ड को अपना घोड़ा दे दिया और उसके पास चलते हुआ एक साधारण कपड़े में ही चला गया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट एंड हर्ड ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, मतलब जो सन्यासी था वो कुछ खेत में खुदाई कर रहा था. हट ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू द डिगिंग. मीन्स उसने राजा को ग्रीट किया, मतलब राजा को प्रणाम करके बोला आइए. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, मतलब थोड़ा ओल्ड भी था, मतलब एज भी था, एज पर्सन था, और थोड़ा उस वीक था, मतलब कमजोर भी था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली, मतलब सांस फूलते हुए काम कर रहा था. ब्रीथेड हेल्दी मीन्स हैवीली मीन्स सांस को फूलते हुए बात करना. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. मतलब मैं यहाँ पे आपके पास इसीलिए आया हूँ, तीन प्रश्न है मेरे पास, उन तीन प्रश्नों का आंसर आपसे पूछने आया हूँ. क्या मेरी आप मदद कर सकते हो, ये बात राजा ने उस सन्यासी से कहा. सो